हाय गाइस, मैं शांतनु, आप देख रहे हैं टेक्निकल शान। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोको लॉन्चर में नया स्टेबल अपडेट आया, कुछ नया फीचर्स देखने को मिला कि नहीं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पोको लॉन्चर में कल थर्ड स्टेबल अपडेट आया जो कि आपका पोको लॉन्चर 2.7.4.15 है, जिसमें कि आपको कुछ नया फीचर्स तो नहीं पर ज्यादातर जो आपका बग्स हो आपका फिक्स होता हुआ देखने को मिल गया है। तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए और हो सके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता ही बेल आइकन और जितने भी अच्छा काम है सब कर दीजिए, काफी अच्छा हो जाएगा मेरे लिए और आपको वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलते रहेगा। तो अगर आप देखिए तो इसमें आपको कुछ ऐसा जो मेजर बग था जैसे कि आपका टच इशू वाला, वो आपका इस अपडेट में स्टेबल अपडेट में फिक्स हो गया और ऐसा आपका कुछ अभी बग्स देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि काफ़ी एक अच्छा बात है। और आपका ऐप ड्रॉअर और मतलब होम स्क्रीन से मतलब कि आप अगर स्वाइप अप कीजिएगा ऐप ड्रॉअर में तो आपका जो मतलब पहले थोड़ा फ़ोन लैग करता था, आपका स्मूथ नहीं था लॉन्चर, अभी आपको वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी मतलब एनिमेशन जो है काफ़ी मतलब कि फ्लूइड और फ्रीक्वेंटली हो गया, जो कि आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ऑब्वियसली ये अगर आपको अपडेट करना है, अल्फ़ा अपडेट यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ा पोको लॉन्चर यूज़ कर रहे हो, तो उसको अनइंस्टॉल कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए, काफ़ी अच्छा वर्जन है, मतलब अपडेट काफ़ी अच्छा है। कुछ नया फीचर्स तो देखने को नहीं मिल रहा बट फाइनली अपडेट्स तो देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपका मतलब कि ये काफ़ी फाइन चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। और मैं दो फोन्स में यूज़ करता हूँ, पोको X3 और M2 Pro, दोनों में काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके पहले वाला स्टेबल अपडेट में आइकन पैकेज के साथ कुछ इशू था जो कि मैं फेस किया हूँ। तो ऑब्वियसली आइकन पैक जैसे आप सेट कीजिएगा तो उसमें आपको जो मतलब एजेस जो था वो आपका राउंड होता ही नहीं था, तो ये आपका प्रॉब्लम इस अपडेट में फिक्स हो गया है। और वाइब्रेशन में भी शायद प्रॉब्लम था, मेरे एक फ़ोन में हो रहा था, एक फोन में नहीं हो रहा था, तो वो भी फिक्स हो गया है। और अगर आप देखिएगा तो बाकी जैसे वन स्क्रीन और ये सब आपको शायद ज़्यादातर फोन्स पर सपोर्ट बढ़ा दिया होगा, अब नहीं पता, ये वही लूम पे है अब भी इसका कुछ पता नहीं। और नेविगेशन जिस्टर बार जैसे कि वो आपका एंड्रॉयड 10 वाला वो कब आएगा ये कोई ठिकाना नहीं है, बट अपडेट्स आ रहा है और ये अपडेट ऑब्वियसली आपको जाके कर लेना चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था उस पर, वीडियो मतलब मेरे को मन नहीं था बट अपडेट काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखें तो अभी आपको इसमें जैसे कि ऐप ड्रॉअर का जो सर्च है कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपको शायद कभी कभी ये बगी था, ये अभी आपका जितना भी प्रॉब्लम था ये अभी फिक्स हो गया है, इसको एक बार ट्राई कीजिए, अपडेट कीजिए। और अगर आप देखें तो अभी आपका ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा है कि जैसे कि मतलब मैं काफ़ी लेट में वीडियो बनाता हूँ कि तो अगर आप मतलब प्रॉब्लम होता होगा कोई भी अपडेट में तो मेरे को दिख जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि 2-3 घंटा चलाने के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चूँकि आपका पोको लॉन्चर 2.7.4.15 है, चाहिए स्टेबल वर्जन है, अपडेट करके देखिए, थर्ड स्टेबल अपडेट है जो कि इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से अभी तक कोई बग्स मेरे साथ फेस नहीं हुआ, शायद आपको फ़ोन में फेस नहीं होना चाहिए। और ये आपका एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है, एंड्रॉयड 11 पे शायद फेस हो, और एंड्रॉयड 11 में शायद आपको नेविगेशन जैसे बार देखने को मिल जाए। और अगर आपको इंस्टॉल करना है इसको तो आपको जाना होगा सेटिंग में, ऐप्स में, मैनेज ऐप्स में, और उसके बाद आपको जाना होगा अनइंस्टॉल करना होगा आपको पोको लॉन्चर का अल्फा वर्जन को, अगर आप अल्फा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, बट अगर आप अल्फा वर्जन इंस्टॉल कर मतलब यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले आपको अनइंस्टॉल अपडेट करना होगा, फिर आपका मतलब तभी जाके आपका स्टेबल वर्जन इंस्टॉल होगा, नहीं तो आपको ओवरराइट नहीं होता सेम वर्जन पे, मतलब कि डाउनग्रेड नहीं होता है कोई भी ऐप। तो सिंपली आपको जाना होगा अल्फा वर्जन को पहले अनइंस्टॉल करना होगा पोको लॉन्चर का, और उसके बाद आपको बस सिंपली बस अनइंस्टॉल कर देना है, और फिर आपको जाना होगा डाउनलोड करना होगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में जाइए, सीधा टैप कीजिए, डाउनलोड आपका हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली जाइए फाइल मैनेजर में और जाके आप पोको लॉन्चर को इंस्टॉल कर लीजिए, और फिर आपको पोको लॉन्चर इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आपको पता ही है जितना भी कुछ आपका मतलब पहले से ऑब्वियसली स्मूथ होने वाला है, एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब जमीन आसमान, बट आपका पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा अगर आप पोको X3 यूज़ कर रहे हैं तो। M2 Pro भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरा दोनों फ़ोन ही काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो अपडेट अच्छा था, आपको एक बार कर लेना चाहिए, ट्राई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा अपडेट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप कर सकते हैं, बेल आइकन को टैप करने के बाद आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो शेयर कीजिए, और मतलब चैनल बिना सब्सक्राइब करके मत जाइए, मतलब जाओ भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मतलब कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय।